नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारत की विकास गाथा का हिस्सा बने निवेशक निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी उद्यमियों से की आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमाम व्यवधानों के बावजूद भारत साल 2023 में दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश होगा और विकास की ये गति आगे भी कायम रहेगी। तंजावुर के मंदिर में बड़ा हादसा, जुलूस के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत, कई लोग घायल। तंजावुर के मंदिर में जुलूस बना काल, घायलों को तंजावुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सीएम ने किया 5-5 रुपए के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी को 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी, कहा देश में नफरत और उन्माद की राजनीति को रोकिए। विदेशी कोयले से 1 रुपए यूनिट से भी ज्यादा महंगी होगी बिजली, सरकार ने निगम पर ही छोड़ा खरीद का निर्णय। विदेशी कोयला आधारित उत्पाद यूनिटों के बाद होने से बिजली संकट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जता चुके हैं नाराजगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के मामले में आरोपी मुर्तजा से एटीएस नए सिरे से करेगी सवाल जवाब, जुटाए जा रहे और साक्ष्य। आरोपित मुर्तजा अब उगलेगा साजिश का राज। मुर्तजा के आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के तथ्य सामने आने के बाद उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में बीते दिनों यूएपी की विभिन्न धाराओं में बढ़ोतरी। यूपी के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, हमारी विदेश नीति में भी देखने लगे हैं सनातनी रंग। चीन के हेनान प्रांत में मिला पहला H3N8 बर्ड फ्लू केस, 4 साल का लड़का पाया गया संक्रमित। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि जिस बच्चे में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन मिला है उसे बुखार सहित कई लक्षण भी मिले। बीजिंग में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई गई, ड्रैगन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास जारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हुई कोविड पॉजिटिव, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सीरिया के आतंकवादी समूह को लेकर जताई चिंता, कहा आतंकियों का फिर से सिर उठना गंभीर विषय। आरसीबी की फ्लॉप बल्लेबाजी, संजू सैमसन ने मारी बाजी और जीत लिया मैच। आर अश्विन ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने और तोड़ा पीयूष चावला का रिकॉर्ड। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले ओवरसीज प्लेयर बने, राशिद खान का तोड़ा रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारतीय टीम को मिल सकती है बायो बबल से राहत। पूर्व खिलाड़ी और पंजाब रणजी टीम के मौजूदा कोच भावे ने कहा, हमेशा से उम्मीद थी कि मुकेश चौधरी बड़े मैचों के लिए बना है। शहनाज गिल बनेंगी कंगना रनौत के शो लॉकअप का हिस्सा, मशहूर सेलिब्रिटी करण कुंद्रा का काटेंगी पत्ता। अंजलि अरोड़ा की मां ने बेटी को दी सलाह, बोली दिमाग खोल और मुनव्वर फारूकी से दूर रहे, आकाश तुम्हें बहुत मिस करता है। अवनीत कौर निर्माता राघव को कर रही है डेट, रितेश को किया सार्वजनिक। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में हुए विवेक ओबरॉय की एंट्रीज, सीनियर ऑफिसर बन करेंगे एक्शन।
साउथ सुपरस्टार धनुष मचाएंगे हॉलीवुड में धमाल, डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।